आज से लौकी सस्ती होती है कि नहीं? जब सस्ती हो तब ना खूब जूस पिया करो, बच्चों को जूस पिलाओ, ये बच्चों को लौकी का जूस पिलाओ, बच्चों को गाजर का जूस पिलाओ, वो गाजर का हलवा कम बनाओ, कच्ची गाजर खवाओ, कच्ची लौकी खाओ। आप तो लौकी का भी हलवा बना लेती है मैया, सबका हलवा। हाँ, तो आज से कितने लोग जूस पियेंगे लौकी का? सब्जियों का जूस निकालो, सब्जियों का जूस पियो। सबसे बढ़िया जूस होता है बताओ किसका? गाजर, हाँ गाजर भी अच्छी, लौकी। एक और बता दो, करेला तो बहुत बेस्ट है, यदि आप पी सको तो नाक में ऐसे रखो पी लो। और बताऊं एक चीज, कद्दू आता है, कद्दू पेठे वाला, पेठे वाला कद्दू आता है, समझ रहे हो, भूरा कुम्हड़ा, उस कद्दू वाले, वो पेठे वाले कद्दू का जूस जितने शरीर में हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं, गलत बैक्टीरिया होते हैं, गंदगी होती है, सारी निकाल बाहर करता है कद्दू का जूस, पेठा कद्दू। हफ्ते में दो दिन कद्दू का जूस पियो, हफ्ते में दो दिन गाजर का जूस पियो, हफ्ते में दो दिन लौकी का जूस पियो, हफ्ते में एक दिन करेले का जूस पियो, और रोज, अभी सीजन चल रहा है आंवले का, चार आंवले का जूस निकाल के चार चम्मच रोज पियो, बच्चों को पिलाओ, फिर बीमार हो जाए ना तो बताना। सवेरे नाश्ते में जूस, रस, बच्चों को एक गिलास जूस पिला के भेजा करो स्कूल, लौकी का, इत्यादि जो मैंने नाम बताए बार बार नहीं बताऊं, पिलाओगे मैया, और आप भी पिया करो। और ये सब सस्ती चीजें बता रहा हूं मैं, कोई महंगा नहीं है, क्यों जी महंगा है बताओ? और आप लोग पानी भी अच्छा कर सकते हो अपने घर में, जो आप पानी भरते हो ना मटके में या स्टील के बर्तन में, उस पानी में ना ये तुलसी के पत्ते धो करके साफ करके 10 पत्ते पानी में डाल दो, थोड़ी से 4-6 नीम के पत्ते ले आओ, नीम के धो के नीम के पत्ते डाल दो, थोड़ा अदरक डाल दो, अदरक, थोड़ा इलायची डाल दो, थोड़ा काली मिर्च डाल दो, थोड़ा लौंग डाल दो, केसर है तो 4 केसर की पत्तियां डाल दो, वो पानी रात में सब डाल दो, और रात भर में इन सब का रस उस पानी में उतर आएगा, और पानी जब पियो तो 4 बार फेंट लो पानी को, लोटा और गिलास लिया करो। पहले के लोग, आपने ध्यान दिया हो, जो भी लोग भोजन करने बैठते थे तो लोटा गिलास में पानी दिया जाता था, पहले लोटा और गिलास दोनों रखा जाता था। अब देखो आप लोग इतने एडवांस हो गए कि पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई। पहले कोई मेहमान भी भोजन करता था ना तो लोटे में पानी और गिलास में पानी रखा जाता था, कोई मेहमान आता था तो, आजकल तो ट्रे में गिलासें ले जाई जाती हैं, ऐसी नहीं, पहले लोटा लेके जाया जाता या जग और गिलास, और सामने वाला पी और दे दे। इससे क्या होगा, लोटा और गिलास आप भी रखा करो, और पानी पीने के पहले पहले लोटे से गिलास में और गिलास से लोटे में 4 बार पानी ऐसे ऐसे करो। इससे क्या होगा, इससे पानी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। देखिए विज्ञान, साइंस देखिए, पानी को जब आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो आपने देखा होगा पानी में बुलबुले उठते हैं, वो पानी बुलबुले क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, वो बुलबुले मतलब ऑक्सीजन की मात्रा पानी में बढ़ गई, और ऑक्सीजन युक्त पानी आपको स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाएगा। सामान्य जो पानी रखा है, स्थिर पानी नुकसानदायक होता है, चलता पानी फायदा करता है, इसलिए पानी को थोड़ा चलाओ। रात को नीम, तुलसी, काली मिर्च, अदरक पानी में डाल दो, छान लो, उस पानी को दिन भर पीते रहो, स्वाद बढ़ जाएगा पानी का, और सारी जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, थोड़ा दालचीनी डाल दो, थोड़ा और भी सारी चीजें आप प्रयोग कर लो, कोई बुराई नहीं है, और पानी को 4 बार फेंट कर पीना,
फिर बताना कि आपको गैस की प्रॉब्लम है कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं, बंद बोतल, एक महीने से बोतल रखी थी और आपने पी लिया, उसमें ऑक्सीजन था, वो पानी मरा हुआ पानी था जो आपने पी लिया, सवेरे का पानी रखा शाम को, अरे भैया पानी में जान आ जाएगी, चार बार फेंटा मार लो ऐसे ऐसे। पहले के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे पर बहुत वैज्ञानिक जीवन जीते थे। आजकल आप जितने विज्ञान को पढ़ते जा रहे हैं उतने गोबर गणेश होते चले जा रहे हैं। मैं आपको वो सारी वैज्ञानिक पद्धति बता रहा हूं जो भारत में थी, और पूरी वैज्ञानिक पद्धति थी। क्यों जी, पहले लोटा गिलास में पानी मिलता था कि नहीं, सबके घर में लोटा होता था, गिलास होती थी, गिलास बड़ी बड़ी गिलास में ज्यादा पानी ऊपर से डालो तो धार बनेगी और पानी में उसके कण कण टूटेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो आज से कितने लोग अपना खान पान ठीक करेंगे पहले मुझे बताओ।